बलिया में गंगा का जलस्तर लाल निशान को पार कर गया है, जिसके कारण अब बलिया के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बलिया शहर से सटे निचले इलाके के निहोरा नगर कॉलोनी में बाढ़ का पानी इस कदर घुस गया है कि लोग अब अपने घरों को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। लोग अपने जरूरी सामान को लेकर सुरक्षित जगह पर जाने लगे हैं। बाढ़ का पानी बढ़ने की वजह से कुछ लोग अपने घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं अब निहोरा नगर कॉलोनी के बाद बेदुआ, महावीर घाट, गायत्री मंदिर कॉलोनी में तेजी से गंगा के बाढ़ का पानी बढ़ने लगा है। लगातार जिला प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है। वहीं पूरे मामले पर बलिया जिलाधिकारी का कहना है कि अभी बलिया में जो गंगा है उसका पानी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रहा है। सभी बाढ़ से प्रभावित गांव के लोगों को उच्च स्थान पर जाने के लिए नोटिस दे दिया गया है। लोगों को सरकार की तरफ से दी जाने वाली तमाम सुविधा भी दी जा रही है। जनपद बलिया में अभी जो वर्तमान में गंगा नदी है वो खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है, और जितने भी गांव वर्तमान में प्रभावित हैं सबको नोटिस दे दिया गया है। वहाँ पर बॉर्डिंग इशू करने के लिए किसी एक स्थान पर आ जाएं और जो हम लोगों के बाढ़ का है उनको काबू करें। कितने गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं? अभी हम लोगों के जितने भी गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं सबको ये कह दिया गया है कि सब लोग जो है उच्च स्थान पर। शहर के महावीर घाट में जो वो लोअर लेवल है वहाँ गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस गया है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सब लोगों को वही नोटिस दिया गया है, अलर्ट किया गया है कि सब लोग जो है सुरक्षित स्थान पर आ जाएं और सब लोगों के लिए बाढ़ के लिए जो भी सुविधा दी जाती है। अचानक पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से इन दिनों यूपी में बाढ़ आ गई है। बता दें कि इस साल मानसून के कमजोर पड़ने के कारण यूपी में सूखे का सामना करना पड़ा, अब बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। गंगा का जलस्तर जिस गति से बढ़ रहा है इससे खतरा और बढ़ रहा है। वहीं बाढ़ आने से कई गांवों की बिजली सप्लाई भी काट दी जाती है, जिससे बाढ़ पीड़ितों को अंधेरे में ही रात गुजारनी पड़ती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।